ग्राम पंचायत पूर की तरफ से आप सभी को रंगों के त्योहार होली और धुलेंडी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस रंगों के त्योहार होली पर्व को आप सभी हंसी खुशी के साथ और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके जसमेर जेलदार सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच संगीता जेलदार ग्राम पंचायत पूर पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर। जब से सरकार द्वारा कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों में ढील दी गई है, तब से सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भी लोगों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया है। आए दिन कहीं न कहीं मेले का आयोजन होता रहता है और कहीं न कहीं किसी न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। कोटकासिम क्षेत्र के गांव पूर में शुक्रवार को रंगों के त्योहार धुलेंडी के पावन पर्व पर बाबा मोहनदास मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया है। मेले में भंडारे का आयोजन भी हुआ और साथ ही मनोरंजन के लिए रागनी कंपटीशन भी रखा गया। इस दौरान मेला क्षेत्र में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें, मोहनदास आसपास क्षेत्र में एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और यहां पर दूर दूर से लोग आस्था लेकर धूप लगाने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि जब भी कोई यहां दुखी व्यक्ति आता है और उसने सच्चे दिल से उस दुख को काटने की बाबा से प्रार्थना की है, तो वह निश्चित रूप से ही दुख से उबर जाता है और उसे अपने दुख से छुटकारा मिला है। मेले में कुल्फी, प्रसाद, कॉस्मेटिक, बर्तन, गुब्बारे और जूट सहित चाट पकोड़े के ठेले भारी संख्या में नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं और बच्चे ठेलों पर चाव से खरीदारी करते हुए चाट पकोड़े का लाभ उठाते हुए नजर आए। ग्राम पंचायत पूर के सरपंच प्रतिनिधि और समाज सेवी जसमेर जेलदार ने बताया कि कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों का तन मन धन पूरी तरह से सहयोग रहा है और सभी ने इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियों में अपनी खास भूमिका निभाई है। कोटकासिम से संजय बागड़ी की रिपोर्ट। मिलेगी चौपन में।